हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और जम के टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा ना करें, अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज करें, इन्वेस्टमेंट एकदम परफेक्ट करें, ज्ञान के सागर में गोते लगाएं और सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचें। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का लेक्चर। तो तैयार हो जाइए, राइट, कुछ पुरानी 100 साल पुरानी कहानियों के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? डॉक्ट्राइन मतलब रूल्स, राइट, यानी कि रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो बिल्कुल अधूरा है कि नहीं बात? ये चाशनी है तो वो रसगुल्ला है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। वाह सर, मजा आ गया। सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। नोटिस तो आपको बताइए, हाथ में थमा देंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब देखिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मान लिया जाएगा, राइट, तुम मानो या ना मानो मान लिया जाएगा, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, आप कुछ कहो ना कहो सुन लिया जाएगा, तू माने या ना माने दिलदारा, अस्सा तो तैनू रब माने या, है कि नहीं बात? तुम मानो या ना मानो हम तो रब मान चुके हैं। ऐसे ही कानून भी यही बात कहता है। कानून कहता है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे हमने तो मान लिया, है कि नहीं बात? मान लिया जाएगा यानी कि मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। सर क्या मान लिया जाएगा, क्या मानना पड़ेगा ये तो पता ही नहीं लग रहा। ये मान लिया जाएगा और ये मानना पड़ेगा कि आउटसाइडर को सब पता है, जो भी किसी भी कंपनी से डील करेगा उसे सब पता है। आपने जियो का सिम खरीदा है तो आपको जियो कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है, सब पता है। यानी कि जाने अनजाने क्या लग चुका है, जाने अनजाने सेक्शन 399 लग चुका है, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पर्सन कंपनी से डील करता है ये माना जाता है कि उस पर्सन ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरी तरीके से पढ़ रखा है और मजेदार तरीके से उसे समझ भी रखा है। आता माजी सा टकली समझ रखा है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो सर सेक्शन 399 ने कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना कैसे पता किया, राइट, इस केस के थ्रू पता लगा। सेक्शन 399 कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहा जाता है। कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्या है। इन आर्टिकल इट इज रिटन दैट लोन कैन बी अप्रूव्ड एंड टेकन ओनली बाय जेएन वीरू। खतरनाक बात, अप्रूव्ड एंड टेकन, यानी कि लेने की जिम्मेदारी भी और अप्रूवल की जिम्मेदारी भी जेएन वीरू की है, उनकी ही अप्रूवल से लोन लिया जा सकता है। लेकिन कंपनी ने लोन लिया और किससे लिया? ठाकुर से लिया, बहुत ही खतरनाक इंसान। विच वॉज अप्रूव्ड बाय बसंती। केस का खतरनाक मोड़ यह है कि किसने अप्रूव्ड कर दिया? बसंती ने अप्रूव्ड कर दिया। यहां क्या लिखा है सर? वो कुछ अलग ही लिखा है। जो वीरू की वाइफ है, तीन डायरेक्टर हैं, D1, D2, D3। अरे मौसी जी प्रणाम। ठीक है, तीन डायरेक्टर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या ये लोन जो बसंती ने अप्रूव कर दिया क्या ये वैलिड है या नहीं है, राइट? बोरोइंग जो ठाकुर से ले ली, क्या वो बोरोइंग वैलिड हुई या नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल। टेंशन की कोई बात नहीं है भाई और बहनों, डिसीजन आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। नो, इट इज नॉट अ वैलिड बोरोइंग, क्योंकि अप्रूवल किससे चाहिए? जैन वीरू से चाहिए। बसंती कैसे अप्रूव कर सकती है? तो जिसके पास पावर ही नहीं है अप्रूव करने की, तो वो वैलिड नहीं होगा। हाँ सर, समझ चुके हैं और समझ चुके हो और बात अंतरात्मा तक पहुंच चुकी है, तो अंतरात्मा में जाके लगा लो काटे। सर दिल पे लग गया ये तो यही तो मैं चाहता हूं, दिल पे लगेगी बात तो ही याद रहेगी, है कि नहीं बात? सुनो ध्यान से क्या कहा मैंने कि इट इज वैलिड बोरोइंग। भैया अब ये क्या माना जाएगा? वैलिड बोरोइंग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया था
कि हम ये मानते हैं आउटसाइडर को सब पता है कि नहीं बात। तुझे सब है पता मेरी माँ, है ना, जैसे माँ को सब पता होता है ना, ऐसे आउटसाइडर को भी सब पता है, ये कंपनी लॉ मानता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, अब जब बोरोइंग ठाकुर से ले ली गई तो वो वैलिड इसलिए मानेगी क्योंकि ठाकुर से ये कहा गया कि भाई जब 399 तेरे ऊपर लगा तो ये हमने मान लिया, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि तुझे आर्टिकल के बारे में पढ़ता था, तुझे मेमोरेंडम के बारे में भी पता था, और अगर उनमें लिखा है कि जे एन वीरू ही अप्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये बात तुझे पता थी कि जे और वीरू ही अप्रूव करते हैं लोन। जानबूझकर लोन दे दिया किसके अप्रूवल पे, बसंती के अप्रूवल पे, तो किसकी गलती हुई, गलती किसकी, गलती हुई ठाकुर की, और ठाकुर की गलती हुई तो ठाकुर ही झेलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने तो कह दिया तुझे पता थी ठाकुर साहब, तुम्हें पता थी, फिर भी तुमने जानबूझकर लोन दिया बसंती के अप्रूवल पे, इट इज योर एंड ओनली योर फॉल्ट, तो लोन वैलिड माना जाएगा और क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंड्स ऑन कंपनी, और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंड भी नहीं होगा, यानी ठाकुर साहब कंपनी के खिलाफ लोन रिकवरी का केस नहीं कर सकते। सर बड़ा खतरनाक सी बात थी, खतरनाक कुछ भी नहीं था, ये आप जानते ही हैं, रात की बात लिख लो, सब समझ में आ जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है, ठीक है ना, GKPL कर लेना इसे, GKPL, सर GKPL घोट के पी लेना इस बात को कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है, यानी कि आउटसाइडर ठाकुर साहब जो है हमारे आउटसाइडर के अगेंस्ट होता है ना, किसके अगेंस्ट होता है, आउटसाइडर के अगेंस्ट होता है, हम ये मानते हैं। भाई साहब आपको सब पता है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी, देखते हैं क्या यही बात हमारे नोट्स में लिखी है बहुत बढ़िया तरीके से। जी हाँ सर, बिल्कुल वैसे लिखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन, कोई भी, दुनिया का कोई भी बंदा क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आप साइट पे जाइए और चेक कर लीजिए, राइट, जो रजिस्ट्रार के पास है, रिकॉर्ड ले सकता है ना, कॉपी एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या मैंने आपको मेमोरेंडम आर्टिकल का जब वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया था तो मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया था, किसका, रिलायंस का, ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, जो भी फीस है आप उसे देखे कंपनी से ले सकते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बिकम बिकम मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट, जनता जनता की अमानत जनहित में जारी, और वो हर टाइम अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए किसी भी पर्सन के द्वारा नॉमिनल फीस पे। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 हैविंग गिविंग द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल, इट इज द ड्यूटी, सबसे खतरनाक बात ये लिखी है, अब ये ठाकुर साहब की ड्यूटी है, अगर अपने केस में देखो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ठाकुर साहब एवरी पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है, जय वीरू एंड लिमिटेड से डील कर रहा है, क्या करे, डॉक्यूमेंट को चेक करे और ये श्योरिटी ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे प्रोविजन के अकॉर्डिंगली है, बट वेदर अ पर्सन रीड देम और नॉट, सबसे डेंजर बात ये है, चाहे ठाकुर साहब ने या किसी भी पर्सन ने उसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हम ये मान लेंगे कि ठाकुर साहब को पता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और क्योंकि 399 यही बात कहता है चीख चीखे, और इसलिए मैंने आपसे पहले बोला 399 ही किसको दर्शाता है, 399 ही दर्शाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस को, दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है ना, समझ में आया बात, तो दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशंस इंप्लाइड नोटिस, तो यही हम प्रिज्यूम नोटिस मानते हैं कि आपको पता है, समझ में आया, नोटिस्ड आपकी नॉलेज में है ये बात, आपको पता है, याद आया ना, जैसे पार्टनरशिप में पढ़ते थे, ठीक है, कपल सेक्शन राइट 23-24, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ही यहां भी क्या है, नोटिस्ड आपको इस बारे में जानकारी है, तो यहां नोटिस का मतलब पेपर नहीं है, यहां नोटिस का मतलब है
नॉलेज, ठीक है जी। क्या मतलब है नॉलेज, यानी कि जानकारी, कि आपको उस बारे में सब पता है, आपको उस बारे में सब नॉलेज है। सर समझ गए है ना, पार्टनरशिप का वो कपल सेक्शन भी हमें याद आ गया, राइट। सेक्शन 24 था सर वो, है वाह क्या बात कही। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट मीन्स, सुनना ध्यान से ये दो जानदार बात, वेदर अ पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, भैया आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इट इज प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि आपको नॉलेज है डॉक्यूमेंट्स की, राइट। और जो मैं आपको बार बार, जो मैं आपको बार बार पिछले कई लेक्चर समझाता आ रहा हूं कि आपने रीड करा, खाली ये बात नहीं, आप उसको समझते हैं, आता माजी सा टकली, आप उसको समझ भी चुके हैं, ठीक है ना। किसमें, ट्रू प्रोस्पेक्टिव में, एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट ऑफ ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये लो क्या कह दिया, ये क्या कह दिया है तुमने वो जानम, क्या बोल दिया ये, मेमोरेंडम और आर्टिकल तो छोड़ो, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं और सारे के सारे आपने अंडरस्टूड समझ रखे हैं, जैसे कि स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह सब पढ़ रखा, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। उम्मीद है बात बिल्कुल है ना घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। दस इफ अ पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हैं जो कंपनी की पावर से बाहर है, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम, है ना, कंपनी की पावर से बाहर है, आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एज पर द मेमोरेंडम आर्टिकल ही कैन नॉट एक्वायर राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, उसका कोई राइट नहीं है कंपनी के खिलाफ। यानी कि बिल्कुल किस तरीके से बात कर रहा है, ये उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था, अल्ट्रा वायर्स, है कि नहीं बात, राइट। एंगल क्या है, पर सामने वाले पर्सन को, बाहर वाले पर्सन को सब पता है कि जो भी वो डील कर रहा है अपने आप कंपनी से, तो उसे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज है। तो इसका मतलब सेम बात, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में है, राइट, और आउटसाइडर के अगेंस्ट है। उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से बात समझ में आ चुकी है। अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक शानदार जानदार वीडियो देखो, तो समझने की कोशिश करना इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ओए रुक रुक, हां जी मम्मी, बिट्टू लड़के वाले आ गए, तेरी इतनी जल्दी, हाँ हाँ जल्दी सामान लेके आ, बहन जी कहाँ है हमारी हुई वाली बहू, आ रही है जी आ रही है, कुछ स्पेशल बना रही है आपके लिए, कुकिंग का तो बचपन से शौक है हमारी संगीता को, और हाँ इसके हाथ की कचौरी तो हमारी रजौरी में वर्ल्ड फेमस है, और फिर कचौरी देना जल्दी दे रहे भाई, और इसका भाई तो बहन जी मरता है इसकी चटनी पे, सच्ची ऐसी चटनी कोई बना ही नहीं सकता, गारंटी है जी, चटनी है और इसके दही बल्ले एवन है जी एवन, भैया जी दही बल्ला, 5 मिनट दही बल्ला दो जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, तो आप तब बोलेंगे ना जब एक बार इसके हाथ के गुलाब जामुन खाएंगे, इसकी कनेडा वाली बुआ जब भी आती है ना डोंगा भर के ले जाती है, अरे गुलाब जामुन दे दो अंकल, गुलाब जामुन, अरे सॉफ्ट बनाती है कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितने गए, लो आ गई सुबह से अकेली लगी है किचन में, इंडिया के कुछ अलग ही है यार, समझ में आया कुछ, सर कुछ समझ नहीं आया, ये बस ऐड तो बढ़िया लगा पर बात कुछ जमी नहीं। सुनो ध्यान से, हुआ ये कि लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं, ठीक है आपको बताइए दिख रहा है, और आंटी फुल डिस्क्रिप्शन दे रही है, फुल डिस्क्रिप्शन
कि भैया A1 के दही बल्ले और ये गुलाब जामुन मुंह में जाती मेल्ट, ये वो दुनिया भर की बातें, समझ रहे बात। अब अगर लड़के वालों को ये बात बायोडेटा में लिखी थी, ठीक है नहीं बात, कि भाई लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही शानदार खाना बनाती है, और फिर ये सब इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन चटनी के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं बात, खाना शुरू कर देते हैं तो ये दाद दिखाना ना पीले पीले, ये इंसान क्या समझेगा अम्मा जी, है कि नहीं बात, अम्मा जी कान में वाली पहन के, है ना, अम्मा जी क्या समझेंगी, आंटी जी अंकल जी ये क्या समझेंगे, और इनकी जगह अगर तुम भी होते तो तुम भी क्या समझते कि ये खाना किसने बनाया है, ये खाना लड़की ने ही बनाया है, यही समझोगे, हाँ सर यही समझेंगे कि खाना लड़की ने बनाया है, पर एक्चुअली में सिर्फ आप और मैं जानते हैं, लड़की की मम्मी जानती है, लड़की का भाई जानता है, लड़की जानती है कि उन्होंने ये खाना नहीं बनाया, ठीक है ना, और लेकिन इन सबको धोखे में रखा है, इनको लग रहा है कि खाना उस लड़की ने ही बनाया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। ये बताओ क्या लड़के वालों को पता लग सकता है कि खाना लड़की ने नहीं बनाया, बताना, नहीं पता लग सकता, क्यों, क्योंकि वो तो बाहर से बस खा के चले जाएंगे, रसोई में जाना यानी कि जहां एक्चुअली में खाना बना होना चाहिए रसोई में जाना अलाउड ही नहीं है, है कि नहीं बात, क्या वो बोल सकते हैं, क्या लड़के की अम्मा लड़की की लड़के के मम्मी पापा ये बोल सकते हैं, चेक करा तूने बनाया नहीं बनाया, चलियो रसोई में देखो जरा समोसे कढ़ाई तो चढ़ी नहीं है, ठीक है चटनी वाला जार दिखाइयो ये तो पीसी नहीं है, क्या जाना रसोई में अलाउड है, जाना अलाउड नहीं है। शादी हो जाती है और बाद में पता लगता है लड़की को तो कुछ बनाना नहीं आता सिवाय मैगी बनाती है वो, मैगी, है कि नहीं बात, तो लड़के वाले कहते हैं धोखा किया है हमारे साथ, धोखा किया है, हमें बताया ही नहीं गया, और जो उस दिन सब कुछ हमारे सामने है ना दिखाया गया समोसे ठीक है गुलाब जामुन सब फेक बात थी कि लड़की ने बनाए हैं। तो ये बताओ अब क्या लड़के वाले इसके ऊपर केस कर सकते नहीं कर सकते, राइट, लड़की वाले पढ़े लिखे निकले तुम्हारी तरह, तुमने और लड़की वालों ने एक ही बात बोली, सर 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 सुनने से पहले एक बात और जान लीजिए, सेक्शन 399 सर आपके ऊपर सेक्शन 399 लगेगा, हम ये मानेंगे आपको, है कि नहीं बात, आपको सब पता है, ठीक है जी, आपको सब पता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके पास है, आपको सब पता है, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी के आर्टिकल और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब आपने पढ़ रखे हैं और आपको उसकी पूरी की पूरी नॉलेज है कि नहीं बात, ये बोलोगे, ऐसे ही सेम कंपनी ने भी बोला कि भाई साहब सब पता है आपको, लेकिन यहां एक बात देखो जो बहुत गहराई से समझने वाली है, क्या इन लोगों को रसोई में जाने की इजाजत है, क्या ये चेक करने की इजाजत है कि भाई जो भी सामान बनाया गया है वो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बना, लड़की ने बनाया है, लड़की ने अपने हाथों से बनाया इतने सारे व्यंजन, कुछ स्पेशल बना रही होगी जी, है कि नहीं बात, नहीं ना, सेम बात हमारे अगले कॉन्सेप्ट इंडोर मैनेजमेंट ने भी यही बोली, इंडोर मैनेजमेंट यानी इनडोर दरवाजे के अंदर, रसोई के दरवाजे के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर जो भी काम हो रहा है वो कंपनी का घर वालों का इंटरनल मैटर है, उसमें बाहर वाले नहीं झांक सकते बाहर से ऐसे करके, अरे भैया खाना कौन बना रहा है, क्या चल रहा है कंपनी में, तो बाहर वाले उसमें नहीं झांक सकते, यही बात लॉ में लिखी है, सुनो ध्यान से, अगर इंडोर मैनेजमेंट का मैटर है, इंटरनल कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन का मैटर है, तो उन मैटर में बाहर वाला ये प्रिज्यूम कर सकता है, उन मैटर्स में बाहर वाला ये सब जो लोग दिख रहे हैं आपको, उन मैटर में ये बाहर वाले लोग सब प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल दरवाजे के अंदर जो भी किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया होगा, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना, हम ये बात अज्यूम करेंगे। तो इंडोर मैनेजमेंट ने कहा कि मैं आउटसाइडर के फेवर में काम करता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आप बस रीड लेना है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। इंडोर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि मैं आउटसाइडर के फेवर में काम करता हूं, राइट, यानी कि
इस डॉक्ट्राइन ने क्या कहा, आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है, यानी कि वो लड़के वाले है ना, आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट. उन्हें रसोई के अंदर जाने की, इंटरनल मैनेजमेंट ठीक है, रसोई के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. यानी कि अगर कोई भी बंदा कंपनी से डील करता है, कंपनी एक्ट को समझो, अब रिलेट करो, कोई भी बंदा कंपनी से डील करता है तो उसे यह जरूरत नहीं है कि वो इंक्वायरी करे इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में. वो तो बस क्या प्रिज्यूम करेगा, जो जज साहब ने बोला आउटसाइडर को तो बस ये प्रिज्यूम कर लेना है और हम उसके फेवर में हो जाएंगे कि इंटरनल मैनेजमेंट सही है, यानी कि रसोई के अंदर जो भी चल रहा है वो बिल्कुल सही है, जो हमें दिखाया जा रहा है वही रसोई के अंदर चल रहा है. यानी कि आउटसाइडर ये प्रिज्यूम करता है जो कंपनी हमें दिखा रही है छोटी मोटी बातें इंटरनल मैटर के बारे में वो बिल्कुल सही है. इवन दो चाहे हमने आर्टिकल मेमोरेंडम सब पढ़ रखा है, तब भी जो बातें आर्टिकल और मेमोरेंडम में नहीं लिखी लेकिन वो बहुत छोटी मोटी जेन्युइन सी बातें हैं, तो वो भैया हमें प्रिज्यूम कर लेते हैं यार वो तो कंपनी ने कर ही लिया होगा, है कि नहीं बात. यानी कि लड़के वाला कह रहा है भाई आंटी जी बोल रही है लड़की ने बनाया, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई लड़की ने ही बनाया होगा. अब सर इसको और गहराई से जानने के लिए चलते हैं एक बहुत ही मजेदार केस के ऊपर, बहुत ही मजेदार केस, लाइफ टाइम केस है, लैंडमार्क केस है. इस केस को याद रखना है, जीके पीएल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. राइट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट. क्या नाम है केस का, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट. सुनो ध्यान से क्या कहानी है. टी लिमिटेड के आर्टिकल में लिखा था, एक कंपनी है टी लिमिटेड राइट, उसके आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर विल टेक लोन, डायरेक्टर लोन लेंगे ऑथराइज बाय द शेयर होल्डर. जब भी डायरेक्टर लोन लेने जाएंगे उस लोन को कौन ऑथराइज करेगा, शेयर होल्डर ऑथराइज करेंगे. यानी आसान सी भाषा में बोलूं तो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जर्नल मीटिंग में, है कि नहीं बात. जर्नल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अगली कहानी का अगला पड़ाव, रिजोल्यूशन पास हो गया, सुनना ध्यान से क्या मजेदार बात है. रिजोल्यूशन पास्ड, बट रिजोल्यूशन में यह नहीं पता, नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ मच डायरेक्टर कैन बोरो, कितना अमाउंट, यानी रिजोल्यूशन में अमाउंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. राइट, यानी कि रिजोल्यूशन पढ़ के आपको अमाउंट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा. डज नॉट स्पेसिफाई कितना डायरेक्टर लोन ले सकता है. कंपनी का एक डायरेक्टर जय, उसने लोन ले लिया रॉयल ब्रिटिश बैंक से, आरबी बैंक से. सुनो ध्यान से, असली कहानी अब शुरू होती है. जय ने बॉन्ड इशू किया 2000 है ना, यूरो का, पाउंड का, डॉलर का, कुछ भी बोल दो है ना, $2000 का. बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, समझ लो ध्यान से. जय ने 2000 पाउंड का क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया और लोन ले लिया, जबकि यहां पे 2000 तो क्या 2 रुपए तक की वैल्यू भी नहीं लिखी थी. समझ में ना बात. जब बैंक ने लोन दिया तो बैंक ने क्या सोचा होगा कि भाई डायरेक्टर आए हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो भैया रिजोल्यूशन पास्ड भी है. समझ में ना बात, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास है, रिजोल्यूशन का पर्चा रखा है हाथ में, ठीक है, बैंक ने देखा. राइट, बैंक के एक हाथ में क्या है, बैंक के एक हाथ में मेमोरेंडम आर्टिकल है. मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है जब भी लोन लेंगे डायरेक्टर, ठीक है, एसआर पास करेंगे. एसआर तो है, यानी कि बैंक ने मेमोरेंडम आर्टिकल भी पढ़ लिया, बैंक ने रिजोल्यूशन भी देख लिया, सब कुछ तो सही है, सिर्फ क्या कमी थी, अमाउंट नहीं पता था. तो बैंक ने क्या प्रिज्यूम कर लिया कि जब रिजोल्यूशन पास हुआ होगा तो भैया शेयर होल्डर $2000 के लिए सहमत हो गए होंगे, शेयर होल्डर $2000 के लिए सहमत हो गए होंगे भाई, तभी तो रिजोल्यूशन पास किया है. एक्चुअली में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, शेयर होल्डर ने कोई अमाउंट बताया ही नहीं था. राइट, और शेयर होल्डर शायद यही सोच रहे होंगे कि भैया इतना बड़ा लोन नहीं, छोटे मोटे लोन के लिए रिजोल्यूशन है, तो चलो पास कर देते हैं. टी लिमिटेड, सुनना ध्यान से, बहुत चालू निकली कंपनी, जिसने बैंक से लोन ले लिया, कंपनी ने कहा कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा सर, है ना, क्या लगेगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब आउटसाइडर,
आउटसाइडर बैंक को सब पता है, ठीक है ना, आउटसाइडर बैंक को सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ रखे हैं, पर एक्चुअली में शेयर होल्डर को तो 2000 वाली बात पता ही नहीं थी, राइट। तो फिर बैंक ने जब ये लोन वापस मांगा तो टी ने देने से मना कर दिया कि भैया आपको तो पता था, इतना तो लोन हम ले नहीं सकते, आपने दे दिया लोन, ये आपकी गलती है, जैसे पिछले केस में ठाकुर की गलती मानी गई, भैया आपकी गलती है ना, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक ने केस किया, जब केस पहुंचा कोर्ट में तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला ये केस बिल्कुल लिम्का के एड की तरह है, एक्चुअली में आपने जो कहा वो कंपनी के पास है, आर्टिकल और मेमोरेंडम कंपनी ने पढ़ रखा है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी कंपनी के हाथ में है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा तो एक आदमी क्या सोचेगा, एक जेन्युइन आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या सोचेगा, भैया अगर एसआर पास हो गया तो इसका मतलब एसआर में 2000 की बातें ही की गई होंगी मीटिंग के दौरान, तो वो भी पास हो गई होगी। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जज साहब ने डिसीजन दिया अप्रूवल इज अ इंटरनल मैटर, सुनना ध्यान से, ये बहुत ध्यान से याद करना है, अप्रूवल इज इंटरनल मैटर, ठीक है, ये कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, ठीक है ना, और इसकी नॉलेज है ना बाहर वाले बैंक को या बाहर वाले व्यक्ति को नहीं हो सकती थी, बैंक को तो इसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि बैंक को थोड़ी बुलाया था एसआर पास करते टाइम पे मीटिंग में, या तो बैंक को न्योता देते, बैंक को कहते भाई साहब आ जाओ, है ना, राइट, आपसे लोन लेने के लिए मुद्दा उठ रहा है, आप भी मीटिंग में आके देख लो भाई कितने रुपए तक का मुद्दा उठ रहा है, तो बैंक को थोड़ी बुलाया था आपने, क्योंकि मीटिंग में तो किसको बुलाते हैं, आउटसाइडर को नहीं बुलाते, मीटिंग में तो सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही बुलाया जाता है, तो बैंक आया नहीं, तो बैंक को तो इसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी, जज साहब ने बोला बैंक को इसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी, तो बैंक विल नॉट लायबल, बैंक सफर नहीं करेगा, बैंक को है ना कोई नुकसान नहीं होगा, तो लोन लौटाना पड़ा, नहीं लौटाना पड़ा, तो डिसीजन क्या आया, डिसीजन ये आया कि ये लोन वापस करना पड़ा कंपनी को, है ना, बैंक को। अरे बात आपको समझ में आई होगी, ये जो दलील पेश की गई कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है जी, तो बैंक की गलती है, ये दलील पेश की गई टर्क्वेंट के द्वारा, टी के द्वारा, टर्क्वेंट कौन था, टर्क्वेंट उस कंपनी का है ना लिक्विडेटर था, लिक्विडेटर समझते हो ना, जो कंपनी को बंद कराता है, वाइंड अप कराता है, डिसॉल्व कराता है, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर, वो कंपनी का लिक्विडेटर था, ठीक है, किस कंपनी का, जिस कंपनी ने है ना बैंक से, रॉयल ब्रिटिश बैंक से लोन लिया था, तो लिक्विडेटर किन दलीलों पर, ठीक है, कंपनी हार गई, राइट, यानी कि एक तरीके से टर्क्वेंट हार गया, बैंक जीत गया, इसकी वजह से हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, टर्क्वेंट रूल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टर्क्वेंट रूल, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम टर्क्वेंट रूल भी होता है। उम्मीद है आप ये बात बहुत गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं नोट्स में कानून इसके बारे में क्या बातें करता है, ध्यान से पढ़ेंगे, फैक्ट्स ऑफ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, राइट। मिस्टर टर्क्वेंट वॉज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरॉन कोलब्रुक्स टीम, कोल एंड स्वेंसी एंड लावर रेलवे कंपनी, है कि नहीं बात, अजीब से नाम है जाने दो। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी 1844, द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड, मुद्दे के बाद यहां शुरू है, कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड इश्यू किया, जैसे मैंने आपको दिखाया, कितने पाउंड का, 2000 रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्राइंग ऑन करंट अकाउंट, यानी कि एज अ है ना सिक्योरिटी भी रख दी, बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील, बॉन्ड पे कंपनी के साइन भी है, डायरेक्टर्स के भी साइन है, दो डायरेक्टर के, सेक्रेटरी के भी साइन है, यानी कि जो बातें होनी चाहिए वो सब पूरी है, राइट। व्हेन द कंपनी वॉज सूड इट एलिज्ड दैट अंडर द रजिस्टर्ड डीड और सेटलमेंट है ना डायरेक्टर ओनली हैड अ पावर टू बोरो ऑफ द अमाउंट ऑथराइज बाय द कंपनी रिजोल्यूशन, यानी डायरेक्टर सिर्फ उतना ही लोन ले सकता है, यानी बॉन्ड इश्यू करके डायरेक्टर उतना ही लोन ले सकता है जितना ऑथराइज बाय कंपनी रिजोल्यूशन, जितना रिजोल्यूशन में लिखा जाएगा डायरेक्टर उतना ही लोन ले सकता है, लेकिन आपको पता है रिजोल्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखा था, तो
तो क्या डिसाइड किया गया जज साहब के द्वारा? बॉन्ड वॉज, खतरनाक बात, बॉन्ड वॉज वैलिड, यानी कि जो लोन लिया है वो बिल्कुल वैलिड है और उसे वापस चुकाना पड़ेगा. सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म, यानी कौन जीता? बैंक जीत गया. ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर ऑफ द डायरेक्टर. ही कौन है? टी टर्क्वेंट, जो कंपनी की तरफ से लड़ रहा है. ठीक है, उसने क्या बोला? बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर, बैंक को पता है कि डायरेक्टर उतना ही ले सकते हैं लोन. ठीक है, जितना अमाउंट रिजोल्यूशन में लिखा है, जितना अमाउंट रिजोल्यूशन में लिखा है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, आर्टिकल सब सी है. सो देयर वॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, जैसे हमने पहले देखा, भैया तुम्हें सब पता है. तो ऐसे ही टर्क्वेंट ने बोला, बैंक तुम्हें सब पता है. आगे देखो, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड बिकॉज दीज वर नॉट रजिस्ट्रेबल, है कि नहीं बात? क्योंकि जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, ठीक है ना, वो रजिस्ट्रेबल नहीं थे. द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देर वॉज नो रिक्वायरमेंट. अब खतरनाक बात, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ बेस्ड है, देर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इन टू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग. और इसी को तो मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी के इंटरनल वर्किंग को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कंपनी की रसोई में झांकने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम. यही इंडोर मैनेजमेंट का रूल है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कंपनी की खुद की ही है. यानी कि बाहर वाला केस जीतेगा. दो रूल हमने पढ़ लिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में, इसके फेवर में, कंपनी के फेवर में, यानी कि बाहर वाला हारेगा. इंडोर मैनेजमेंट बाहर वाले के फेवर में, बाहर वाले बैंक के फेवर में कंपनी हारेगी. तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर. बहुत ध्यान सुनना, कूल डाउन करो, है ना, रिलैक्स हो जाओ, फोकस करो, ध्यान से सुनो. अभी हमने पढ़ा इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक जीत गया, राइट, बाहर वाला जीत गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन जहां कोई रूल बनता है उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल के आ जाते हैं, उसका उल्टा. अरे सर, उल्टा मतलब? यानी कि अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट के, वो एक्सेप्शन है टर्क्वेंट रूल के. उसमें अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें बाहर वाला हारेगा, यानी कंपनी जीतेगी. इंडोर मैनेजमेंट में क्या पढ़ा? इंडोर मैनेजमेंट में पढ़ा बाहर वाला जीतेगा. बैंक जीता बाहर वाला जीतेगा. इसका एक्सेप्शन क्या बना? बैंक, बाहर वाला हारेगा. तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों एक एक करके कि एक्सेप्शन क्या कहता है. बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन क्या कहता है. अगर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, अगर उसमें, सुने ध्यान से, अगर उसमें लड़की के माता पिता, लड़की खुद या लड़की का भाई लड़के वालों को ये बोले भाई साहब चेक कर लो कि खाना किसने बनाया है, रसोई के दरवाजे खुले हैं, जाइए चेक कीजिए, कढ़ाई देखिए, रसगुल्ले की चाशनी देखिए, सब कुछ वहीं लड़की ने बनाया, फिर भी बाहर वाले क्या बोल रहे हैं जो खाना खाने आए हैं, जो रिश्ता करने आए हैं. अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें देखने की क्या जरूरत है, अरे जो है सही है, हम नहीं जा रहे जी. गलती किसकी मानी जाएगी? गलती लड़के वालों की मानी जाएगी. बाद में अगर लड़की खाना बनाना नहीं जानती तो लड़के इस बारे में नहीं लड़ सकते कि हमें धोखे में रखा गया है ना, उस दिन तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाई, उसमें तो कुछ भी नहीं बनाया. तो लड़की वाले क्या बोले? लड़की वाले बोलेंगे हमने पहले ही कहा था चेक कर लो. और भैया चेक नहीं किया तो आपकी गलती है, बाहर वाले की गलती है. बस ऐसे ही कुछ केसेस हैं जिसमें जज साहब ने यह बोला कि अगर बाहर वाले के पास चेक करने का मौका है और उसे इंटरनल मैनेजमेंट की रेगुलरिटी के बारे में, इररेगुलरिटी के बारे में, बेईमानी के बारे में पता है, तो पता होते हुए भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर बाहर वाले की गलती है, क्योंकि उसे पता है या फिर उसके पास पूरा मौका है रसोई में जाके चेक करने का, तो बाहर वाले की गलती मानी जाएगी.
उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो केस देखो क्या आया, पहला ठीक है, डायरेक्टर है सलोमन, राइट, सलोमन नाम इसलिए लिया ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि डायरेक्टर कंपनी के और कंपनी एक अलग पर्सन होती है और सलोमन एज ए इंडिविजुअल अलग पर्सन होता है, बात याद आ गई होगी। डायरेक्टर है सलोमन एस लिमिटेड, ठीक है, डिबेंचर इश्यू कर दिए खुद कोई, है ना, सेल्फ डिबेंचर इश्यू कर, कंपनी ने डायरेक्टर के द्वारा डिबेंचर इश्यू करवा दिए सलोमन को, जो डायरेक्टर खुद था, समझ में आ गया ना बात। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को क्या इश्यू कर दिए हैं, डिबेंचर इश्यू कर दिए हैं, राइट। और सलोमन ने कंपनी को कितना उधार दे दिया, सलोमन ने लोन दे दिया, उधार दे दी $3,000 की। सुनना ध्यान से, कहानी बहुत मजेदार है। कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं था, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं था। डायरेक्टर ने जब खुद ही को लोन दिया तो डायरेक्टर को पता था कि 1000 से एक्सीड होने पर SR चाहिए। डायरेक्टर को पता था कि लोन देते टाइम पे, डायरेक्टर को पता था लोन देते टाइम पे 1000 से ऊपर लोन के लिए SR पास होना चाहिए, SR पास होना चाहिए, लेकिन कोई भी SR पास नहीं किया गया, राइट। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो डायरेक्टर ने पता क्या बोला, डायरेक्टर ने बोला कि मैं जो एक इंडिविजुअल हूं और सेपरेट लीगल एंटिटी हूं कंपनी की, है ना, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। तो भैया कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, SR पास हुआ नहीं हुआ, कितने रुपए के लिए होना चाहिए, मुझे क्या पता। अब वही जो पर्सन लोन लेके, वही जो पर्सन डिबेंचर लेके लोन दे रहा है, भैया वो खुद ही तो डायरेक्टर की पोजीशन पर है, वो खुद ही तो डायरेक्टर है कि नहीं बात। तो जब वो खुद डायरेक्टर की पोजीशन पे है तो क्या उसे पता नहीं कि SR पास होना चाहिए। और जब वो खुद ही लोन गिवर है ना, लोन गिवर की पोजीशन पर है, राइट, तो वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कंपनी में क्या होना चाहिए। आप भाई साहब भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो, एस लिमिटेड ठीक है, और एक इंडिविजुअल पर्सन, आप दोनों ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो हम मानते हैं, लेकिन भैया एस लिमिटेड काम तो अपने एजेंट डायरेक्टर के थ्रू कर रही है। तो डायरेक्टर ने जब खुद को ही लोन दिया होगा तो क्या लोन देते टाइम पे उसे पता नहीं होगा कि मैं अगर खुद को ही लोन दे रहा हूं, यानी मिस्टर सलोमन को लोन दे रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी को लोन दे रहा हूं, तो मुझे SR पास करना चाहिए। पता होगा नहीं पता होगा, पता होगा ना। तो बस यही डिसीजन आया जज साहब का। डायरेक्टर ने ये नहीं बोल सकता, डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था SR लेना है, कि मुझे नहीं पता था स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है, राइट। भैया तू डायरेक्टर है, खुद ही अगर इश्यू कर रहा है डिबेंचर तो तुझे पता होना चाहिए कि भैया इतने बड़े लोन के लिए तो SR लेना ही है। तो डायरेक्टर को 1000 रुपए ही वापिस मिले, राइट, यानी कि जब वापस देने की बारी आई, समझना ध्यान से, वापस देने की बारी आई तो भैया केस डायरेक्टर हारा और वापस मिले सिर्फ एस लिमिटेड से 1000 रुपए कह दो, या है ना पाउंड, कुछ भी कह दो, राइट। तो जज सामने क्या डिसीजन दिया, भाई साहब आप खुद जानते हो इस बात को, इसलिए 1000 रुपए ही आपको रिडीम किए जाएंगे।